गुड मॉर्निंग दोस्तों। अक्सर छात्र मुझसे पूछते हैं कि क्या बीसीए का कोर्स करने के बाद उन्हें एक ऐसा करियर मिल सकता है जो बीटेक से बेहतर हो, जहां आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, सूचना तकनीक के क्षेत्र में उन्हें बेहतर जॉब मिल सके। क्या कोई बीसीए करने के बाद मल्टीनेशनल आईटी कंपनियां जैसे कि एसेंचर, जैसे कि कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, जैसे कि अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, इन कंपनियों में, पेपाल में, इंटेल कॉरपोरेशन में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, क्या इन कंपनियों में जॉब पा सकता है बीसीए के बाद? तो यहां मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि इसका जवाब है हां। इसका जवाब है हां, हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब पाया है, और ना सिर्फ जॉब पाया है, एक बहुत ही शानदार पैकेज पर जॉब पाया है। अगर किसी छात्र को 70 लाख रुपए का पैकेज बीसीए के बाद मिल रहा है तो उसे आप क्या कहिएगा? मानिएगा ना कि उसमें बहुत दम है और इस कोर्स में भी दम है। हमारे स्टूडेंट को 37 लाख का पैकेज जो है वो पेपाल कंपनी दे रही है। पेपाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल वैलेट कंपनी है, आप जानते हैं मोबाइल पेमेंट वैलेट कंपनी पेपाल। उसी तरीके से इंटेल कॉरपोरेशन, जो कि चिप की, माइक्रोचिप की सबसे बड़ी कंपनी है, वो हमारे स्टूडेंट किशोर कुणाल को उसने 23 लाख का पैकेज दिया है। तो आप ये सोचते भी नहीं होंगे कि बीसीए कर करके, बीसीए के बाद क्या 23 लाख का, 25 लाख का, 37 लाख का इस तरह का पैकेज पाना संभव है? कैसे संभव है? इसका राज मैं आज इस वीडियो के माध्यम से खोलने वाला हूं कि कैसे बीसीए करने के बाद आपको राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी कंपनियां हैं वहां जॉब मिल सके। और ये बहुत ही आपके लिए अपने आप में जानने योग्य वीडियो होने वाला है आज का वीडियो, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, और वो अलग क्या होगा जिसके माध्यम से एक आम बीसीए ग्रेजुएट की तुलना में आपकी तैयारी अलग होगी। आज भारत में लाखों लोग कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, बीसीए करते हैं, बीएससी आईटी करते हैं। हमारे राज्य बिहार में यहां पर भी मुझे लगता है कि 50,000 से ज्यादा छात्र जो है वो हर वर्ष इसकी पढ़ाई करते हैं। लेकिन सभी छात्रों को, यहां तक कि मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि 50,000 में से मुश्किल से 500 छात्र होंगे जिनको करियर मिल पाता है, बाकी के 49,500 छात्रों को अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। तो ये 500 छात्र कैसे अलग हैं? हमारे सिमित संस्थान से विप्रो में, टीसीएस में, इंफोसिस में, कॉग्निजेंट में, असेंचर में, आईबीएम में छात्र जा रहे हैं, तो कैंपस से ही जा रहे हैं, तो आखिर वो कैसे जा पा रहे हैं, उसमें क्या अलग बात है, ये समझना जरूरी है। इस चीज को समझाने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और शुरुआत करेंगे हम, फोकस करेंगे आज बीसीए के कोर्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंक्वायरी आती है वो बीसीए के कोर्स में आती है। और यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कोर्स है बीएससी आईटी का, बीएससी आईटी का जो कोर्स है, या फिर एक दूसरा कोर्स होता है उसको कहते हैं बीएससी सीएस का कोर्स, ये तीनों ही कोर्स, बीसीए का कोर्स, बीएससी आईटी का कोर्स और बीएससी सीएस का कोर्स, ये तीनों ही कोर्स जो है वो एक बराबर हैं। तीनों कोर्स के नाम जो हैं वो आपको अलग लग रहे होंगे। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी आईटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है वो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है। तो आप चाहे, और कई कई विश्वविद्यालयों में बीएससी सीए करके भी कोर्स होता है, तो ये वही बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ। और ये जो बीसीए का पाठ्यक्रम है, यहां पर सुविधा यह होती है कि जो आर्ट्स के छात्र हैं, जो कॉमर्स के छात्र हैं, वो भी बीसीए कर सकते हैं यदि विश्वविद्यालय का नॉमनक्लेचर, विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस इसकी मंजूरी देता है। अगर विश्वविद्यालय में आर्ट्स के छात्रों के लिए, अगर विश्वविद्यालय में कॉमर्स के छात्रों के लिए प्रोविजन किया गया होगा, कई विश्वविद्यालयों में ऐसा प्रोविजन होता है, जैसे पटना विश्वविद्यालय में ऑर्डिनेंस में आधी सीटें जो हैं वो नॉन साइंस के लिए है, आधी सीटें साइंस वालों के लिए है। उसी तरीके से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है वहां पर सिर्फ मैथ
वाले स्टूडेंट जिनका पीसीएम होगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होंगे, या पीसीबी हो लेकिन साथ में मैथ एडिशनल पेपर होगा, सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। वहीं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वहां पर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आप मैथ का एंट्रेंस पेपर क्लियर करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। हां, मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो बीसीए हो, चाहे बीएससी आईटी हो, चाहे बीएससी सीएस हो, आप वहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अब जब मैं बीसीए बोलूंगा तो उसका मतलब आप सिर्फ बीसीए के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि आप बीसीए और बीएससी आईटी दोनों ही कोर्स को बराबर मानेंगे। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो दोनों कोर्स जब मैं कह रहा हूं बराबर है तो इसमें बेहतर और कमजोर की बात खत्म हो जाती है। लेकिन लेकिन अगर विश्वविद्यालय के सिलेबस में अंतर है, अगर विश्वविद्यालय का बीएससी आईटी का सिलेबस बाद में बना है तो उसका बीएससी आईटी का कोर्स को बेहतर कहा जाएगा। अगर बीसीए का सिलेबस बाद में बना है और उसमें ज्यादा एडवांस पेपर्स हैं तो उसको बेहतर कहा जाएगा। तो यहां पर आपको नाम के ऊपर जाने के बजाय आपको यह देखना पड़ेगा कि सिलेबस के अंदर आखिर है क्या। और सिमेज में हमारे पास पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीएससी आईटी का कोर्स है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसीए का कोर्स है, लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का बीसीए का कोर्स जो है वो 1996 में बना था, 1996 में, और बीएससी आईटी का कोर्स जो है वो बना 2008 के आसपास। तो जो बीएससी आईटी का सिलेबस है वो थोड़ा एडवांस है क्योंकि वो बाद में बना, बीसीए का सिलेबस जो है वो थोड़ा पुराना है। लेकिन जो कुछ भी बीसीए में कम है वो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिलेबस 2012 का बना हुआ है, वो और भी बेहतर है, वहां पर वो बीएससी आईटी के सिलेबस से भी बेहतर है। तो मामला यहां पर सिलेबस का आता है। और सिमेज में हम कोशिश ये करते हैं कि जिस भी विश्वविद्यालय का सिलेबस हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है, जो आज इंडस्ट्री की मांग है, उसको हम पूरा करें। तो अब मैं यहां पर आता हूं, शुरू करता हूं बात कि सिमेज में जो बच्चों को बड़ी सफलता मिली उसके पीछे वजह क्या है, ताकि आप भी वैसी ही तैयारी कर सके। तो बीसीए के साथ में कई सारे एडिशनल एड ऑन कोर्सेज भी कराए जाएंगे, जिन एड ऑन कोर्सेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकेगी। सबसे पहला जो कोर्स कराया जाता है हमारे यहां, जिसका नाम है, उसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स, जैसा कि नाम से ही वाकिफ आपको समझ में आ रहा है, ब्रिज मतलब कि पुल, माने कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि आप आज जहां पर हैं वहां से निकल करके उस जगह पहुंच जाएं जो स्टार्टिंग लाइन है, जो स्टार्टिंग लाइन है जहां से आपको अपने पढ़ाई की शुरुआत करनी है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं ब्रिज प्रोग्राम को, कि जब आप किसी कारपेंटर को देखते हैं, कारपेंटर या जब कोई फर्नीचर बना रहा होता है, तो वो फर्नीचर बनाने के पहले सबसे पहले अपने टूल्स को, अपने औजार को शार्पन करता है, उसको धार देता है। आप जब बचपन में लिखते थे तो पहले पेंसिल की नोक को आप धार शार्पन करते थे, उसके बाद आप लिखते थे। अगर आपके औजार में आपके टूल्स शार्पन नहीं होंगे तो आप पढ़ाई बेहतर नहीं कर पाएंगे, यानी कि इंग्लिश। अब इंग्लिश अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप किताबों को कैसे समझेंगे, किताबें तो इंग्लिश में होंगी, आप लेक्चर्स को कैसे समझेंगे, क्योंकि लेक्चर्स में ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी में होगा, कुछ हिंदी होगा, कुछ इंग्लिश होगा, कई सारे वीडियो लेक्चर्स ऐसे होंगे जो ऑनलाइन है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। फिर आप जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, वहां तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। फिर आप जो इंटरव्यू में बैठेंगे वहां कैसे आप कर पाएंगे कोपअप, वहां तो इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश में होगा। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पर जो क्लाइंट इंटरेक्शन होगा, जो काम होगा, वो तो इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी ताकत होनी चाहिए। आज बिहार के और बाकी अन्य राज्यों में भी मैं देखता हूं ग्रामीण परिवेश के, रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट आते हैं उनके संग सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इंग्लिश उनके लिए कमजोरी होती है। वो कहते हैं कि सर बाकी सब कुछ ठीक है, इंग्लिश में हमको दिक्कत है। यहां पर आपको इंग्लिश को अपनी ताकत बनाना होगा, जो आपकी कमजोरी है। और इंग्लिश में हम ब्रिज कोर्स में ये ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसे इंग्लिश समझ में आए, वो इंग्लिश में लिख पाए राइटिंग, वो इंग्लिश में बोल पाए स्पीकिंग, वो इंग्लिश को
अच्छे से समझ पाए, बोल पाए, लिख पाए, ये क्षमता उसके अंदर जब आ जाती है छात्र के अंदर में, तब उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, लेक्चर्स को, किताबों को वो पहले से पढ़ पाता है। और इसके लिए जो कुछ भी अभ्यास करना होगा, क्या अभ्यास करना होगा, आप सब ने इंग्लिश पढ़ा है, जो भी छात्र आज इस वीडियो को देख रहा है अगर वो ट्वेल्थ पास है तो निश्चित तौर पर उसने पिछले 10 सालों में 12 सालों में इंग्लिश की पढ़ाई करी है। फैक्ट ये है, रादर आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई से दैट यू हैव स्टडीड इंग्लिश मोर देन हिंदी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर मोर देन हिंदी व्याकरण। आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट हु हैव स्टडीड हिंदी व्याकरण मोर देन इंग्लिश ग्रामर। But still the fact remains that when it comes to speaking in English, when it comes to expressing yourself in English, they feel difficulty. They are not comfortable. They are not at ease the way they are able to express themselves in Hindi. Even though they have studied Hindi, English grammar more than Hindi Vyakaran. So what is the reason? यहाँ पर रीजन ये है कि अंग्रेजी की उन्होंने पढ़ाई करी, अंग्रेजी को लिखा, राइटिंग किया और रीडिंग किया, रीडिंग किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम हुआ, लेकिन स्पीकिंग कम हुआ। और एक चीज जो सबसे ज्यादा कम हुई वो है लिसनिंग। लिसनिंग बिल्कुल नहीं किया। अंग्रेजी सुनने का, सुन करके समझने का, सुन करके सीखने का जो कार्यक्रम है वो चला ही नहीं। इंग्लिश सुनने को कम मिला, स्कूल में नहीं मिला, घर पे नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, माहौल नहीं मिला। अब जब तक आपका लिसनिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, ये ना तो स्पीकिंग आएगा और ना अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप ये मान के चलो कि ये अंडरस्टैंडिंग और ये स्पीकिंग ये बहुत जरूरी है। तो हम जो ब्रिज कोर्स कराते हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग मिले। यू गेट मैक्सिमम लिसनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ हाउ वी वुड गेट लिसनिंग, सो देयर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं उन एक्टिविटीज के माध्यम से आपका इंग्लिश का लिसनिंग मिलता है। आपको मूवीज दिखाया जाएगा, ऐसी मूवीज दिखाई जाएगी जो इंडिया में बनी है। अमिताभ बच्चन की मूवी आपको दिखाएंगे, अक्षय कुमार की मूवी आपको दिखाएंगे, रणवीर कपूर की मूवी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो पूरी इंग्लिश में होगी। और उन मूवीज को इंग्लिश में देखेंगे, सबटाइटल्स पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल इजी समझ में आएगा। आप बहुत आराम से इंग्लिश को सुनोगे और सुनते सुनते आपके मन में वो सारे डायलॉग्स, वो सारे कॉन्वर्सेशन, वो सारे वर्ड पावर वो बढ़ता जाएगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मैं आपको रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर्स देता हूं, हमारे यहाँ रोज न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास होती है। उससे होता क्या है, रीडिंग के संग आपका प्रोनंसिएशन इंप्रूव करता है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको इंप्रूव किया जाता है। हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे, हम वोकैबुलरी बिल्डअप भी कराएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सारी चीजें जो है वो आपको रोक नहीं रही है। जो आपको रोक रही है वो है लिसनिंग की प्रैक्टिस की कमी होना, लिसनिंग की प्रैक्टिस की नहीं होना। आपको रोक रहा है स्पीकिंग की प्रैक्टिस का नहीं होना। आपको रोक रहा है कि किसी ने आपको गलत बोलने पर सुधारा नहीं। कोई ऐसा था नहीं आपके पास जो आपको हर गलती पर सुधारे, आपको बार बार रेक्टिफाई करे। तो यहां पर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रेक्टिफिकेशन, सुधारना, ये है प्रोसेस सिमेज का। और ये प्रोसेस ब्रिज कोर्स के साथ कराया जाएगा। और दूसरी चीज जो ब्रिज कोर्स में कराई जाएगी वो है मैथ्स। मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, आपका दिमाग को शार्प करने का। आपको एक्सरसाइज करना होता है ना, आपको बॉडी बनानी है, आप जिम में जाते हो अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए। ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या करोगे? ब्रेन को स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा जो टूल है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जितना मजबूत करोगे आपका ब्रेन उतना शार्पन होता है। और कंप्यूटर साइंस हो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, दोनों ही जगह पर मैथ्स का बहुत रोल है। इसलिए ब्रिज कोर्स के संग हम मैथ्स की क्लासेस कराते हैं, मैथ्स बच्चों का इंप्रूव कराते हैं, मैथमेटिक्स इंप्रूव कराते हैं और बेसिक कंप्यूटर्स की पढ़ाई कराते हैं, ताकि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग के स्पीड, इन सारे कंप्यूटर से दोस्ती हो जानी चाहिए। तो कंप्यूटिंग जो है, जो यूजर लेवल कंप्यूटिंग है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हमारे यहाँ आते हैं या जो बीसीए करने जाते हैं, उनको कंप्यूटर कभी उन्होंने छुआ ही नहीं। तो बेसिक कंप्यूटिंग भी होनी चाहिए, टाइपिंग का अच्छा स्पीड होना चाहिए। मतलब टाइपिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जब कीबोर्ड पे आपके हाथ रखें तो कीबोर्ड को आपके हाथ देखेंगे, आपकी उंगलियां देखेंगी
कीबोर्ड को आपको झुक झुक करके ऐसे से टाइपिंग नहीं करना है, आपकी टाइपिंग ASDF ऐसे होगी और आप सामने मॉनिटर पे देखोगे टाइपिंग कर रहे हैं, आपका हाथ जो है, आपके फिंगर्स जो है वो पूरे कीबोर्ड को पहचानेंगे, आपको नीचे झुक के देखना नहीं है। जब नीचे झुक के देखोगे कभी टाइपिंग स्पीड डेवलप नहीं होगी, तो ये टाइपिंग को भी डेवलप करना पड़ेगा। ये शुरुआत का 2 महीना बता रहा हूँ, ये जो ब्रिज कोर्स है ये शुरुआत का 2 महीना, पहले इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, ये 3 चीजों को इंप्रूव करना, वोकैबुलरी को इंप्रूव करना, वर्ड पावर को इंप्रूव करना, ये सारी चीजें शुरुआत में करनी बहुत जरूरी है। और शुरुआत में थोड़ा टीम मैनेजमेंट का गेम होना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश का गेम्स होना चाहिए, ताकि जो क्लास में आप आए हो उस क्लास के संग आपकी बॉन्डिंग हो जाए, वो क्लास में एक दूसरे के संग आप लोग की बॉन्डिंग हो जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज शुरुआत में कराई जाती है, कहां पर, ब्रिज कोर्स में। इसके बाद आपको क्या करना है, जो BCA का कोर्स है उसमें बहुत कुछ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पेपर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर होंगे, नेटवर्किंग का पेपर BCIT में मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर मिलेंगे, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, वो सारा कुछ एज पर सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मैं एज पर सिलेबस जो कुछ भी है उसकी बात आज यहां नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेबस सब जान रहे हैं, सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, हमारे वेबसाइट पर है, आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों का सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन जो सिलेबस में नहीं है मैं उसकी बात आज यहां करूंगा, जो सिलेबस में नहीं है और जरूरी है। तो सिलेबस में जो नहीं है और जरूरी है उसमें से जो एक एलिमेंट है जो कि सक्सेस दिलाता है स्टूडेंट को, वो है सिस्टम केयर, सिस्टम एंड नेटवर्किंग कह दूं मैं उसको। ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट हुआ, पहला एस्पेक्ट जो मैंने बताया था वो था ब्रिज कोर्स का, दूसरा एस्पेक्ट हुआ सिस्टम एंड नेटवर्किंग का। यहां पर क्या चीज कराई जाएगी मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको कराया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पटिया A+ एंड कॉम्पटिया N+, सिस्को, रेड हैट, EIH। अभी आपको सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट से मैं कह रहा हूं तो यहां पर एक कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का MCSE, फुल फॉर्म हुआ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ये MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। अब ये जो कोर्स है ये कोई हमारा कोर्स या सिमच का कोर्स या इंडिया का कोर्स नहीं, ये ग्लोबल कोर्स है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, और इसका जो कोर्स करिकुलम है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे बड़ा वर्ल्ड में उसका OS भी है, ऑफिस एनवायरमेंट भी है, जो ऑफिस पैकेज वगैरह है, तो वो MS ऑफिस जो पॉपुलर है, और कई सारे ब्राउजर्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो MS माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर्स है MCSE, इसके अंतर्गत आपको सिस्टम की पूरी पढ़ाई होगी। अब आपको लगता है कि सिस्टम में कोई खराबी अगर आएगी तो पेचकस से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सिस्टम को खोल के ठीक करना पड़ेगा, आपको गलत लगता है। एक्चुअल में 80% या 85% टाइम जो भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, उसको ठीक करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, वो है माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड से ही आप सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, आपको उसके लिए किसी पेचकस की, प्लास की जरूरत नहीं होती है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है, और उसकी पढ़ाई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर के कोर्स में होती है। ये इंटरनेशनल कोर्स है, इसकी पढ़ाई करने से आपको फायदा होता है, हम कराते हैं। कॉम्पटिया A+ यानी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा पढ़ाई है, कॉम्पटिया A+ ये भी इंटरनेशनल कोर्स है, और कॉम्पटिया N+ ये नेटवर्किंग का पढ़ाई है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसका दोनों का सिलेबस जो है वो इंटरनेशनल है, कॉम्पटिया A+ का, कॉम्पटिया N+ का, और इसमें हार्डवेयर और नेटवर्किंग फुल्ली कवर होता है। इसके बाद आते हैं, और यही MCSE में एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है एक्सचेंज सर्वर, सर्वर की पढ़ाई, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, और सर्वर को कैसे सिक्योर किया जाता है। आज किसी भी कंपनी का डेटा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, वो सब कुछ सर्वर पे सिक्योर होता है। तो सर्वर का सेटअप कैसे होता है, सर्वर को सिक्योर कैसे किया जाता है, एक्सचेंज सर्वर सबसे एडवांस सर्वर हुआ, इसकी पढ़ाई ये MCSE में आती है। सिस्को कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो राउटर
और स्विचेस बनाती है। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको मैं बता दूं, राउटर और स्विचेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाता है, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया जाता है, नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है, नेटवर्क जो वर्क करता है, डेटा शेयर करता है आपस में, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो लैन हो, वी लैन हो, डब्ल्यू लैन हो, वो सारा कुछ जो है वो राउटर्स और स्विचेस के माध्यम से होता है। यहां तक कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है उसमें भी स्विचेस का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर भी स्विचेस है। तो ये सिस्को जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि राउटर और स्विचेस बनाती है। तो इनका कोर्स है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये भी ग्लोबल कोर्स करिकुलम है। ये कोर्स कराया जाएगा ताकि स्टूडेंट जो है वो CCNA कोर्स के साथ में नेटवर्क के एक्सपर्ट बन जाए। अब किसी भी बैंक का सिस्टम है, ATM है, उसके नेटवर्क को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CCNA जो है वो लोगों को ताकत देता है कि कैसे नेटवर्क को सिक्योर करना है। रेड हैट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की बात की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ओपोनेंट में आज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा वर्ल्ड ओवर पॉपुलर है वो है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स है और इसका लाइसेंस जो है वो ओपन है, इसलिए लिनक्स के सर्वर सस्ते होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जिसमें इंस्टॉल होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए वो महंगे सर्वर होते हैं। लिनक्स जो होता है वो सर्वर सस्ते होते हैं। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट कैसा है, लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे है, इसकी पढ़ाई रेड हैट कराती है। RHCE का कोर्स होता है, RHCE, तो रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ये कोर्स अगर आप करते हैं तो लिनक्स के एक्सपर्ट आप बनते हैं। ये भी हम कराते हैं, CCNA भी हम कराते हैं, MCSE भी हम कराते हैं, CompTIA+ भी हम कराते हैं, CompTIA+ भी कराते हैं। इथिकल हैकिंग, इथिकल H फॉर हैकिंग, इथिकल हैकिंग। अब आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट उनको हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हैकिंग को करना तो गैर कानूनी है, लेकिन हैकिंग को रोकना कानून की रक्षा करना है। हैकिंग को रोकना कैसे है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज की बहुत डिमांड है। वहां पर कैसे सिक्योर किया जाए इसकी बहुत डिमांड है, इथिकल हैकिंग की डिमांड है। तो ये सारे जो कोर्सेज हुए, ये सेकंड कंपोनेंट हुआ जो कि हुआ सिस्टम एंड नेटवर्क केयर का। अभी दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया ब्रिज प्रोग्राम, दूसरा हो गया सिस्टम एंड नेटवर्क, थर्ड कंपोनेंट आया वेब। वेब के अंदर में हमारे पास क्या है, वेब के अंदर में बड़ा सिंपल है, पहला है वेबसाइट, दूसरा है वेब एप्लीकेशन और तीसरा है एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशंस। आप या तो मोबाइल पर सॉफ्टवेयर बनाओगे, एप्लीकेशंस बनाओगे, या वेबसाइट वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाओगे, या वेबसाइट बनाओगे आप, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, वेब पर काम कैसे होगा, इसके अंतर्गत में हम पढ़ाते हैं बच्चों को PHP है, हम पढ़ा रहे हैं ASP है, ASP.NET है, वहां पे पढ़ना होगा आपको SQL सर्वर डेटाबेस, आपको पढ़ना होगा यहां पर आपको HTML, DHTML, आपको पढ़ना होगा JavaScript, आपको पढ़ना होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपको पढ़ना होगा यहां पर Photoshop, आपको पढ़ना होगा Joomla, आपको पढ़ना होगा WordPress। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके वेबसाइट मेकिंग में काम आएंगी, चाहे कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, यहां पर आपको CGI है, Perl है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका प्रयोग वेबसाइट मेकिंग में होता है। और इनके माध्यम से आप देखते हैं कि PHP बहुत ही स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन ये आपके BCA के सिलेबस में नहीं है। चाहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, हम पढ़ाते हैं। ASP.NET सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। SQL सर्वर, HTML, DHTML, ये तो सिलेबस का पार्ट है, ये अक्सर सिलेबस में है, लेकिन इसमें वेबसाइट मेकिंग कैसे किया जाए ये हम बता रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, और वेबसाइट को फटाफट कैसे बनाएं उसके लिए वर्डप्रेस है, उसके लिए जुमला है, उसके लिए आप, और वेबसाइट में प्रोग्रामिंग करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जिसके थ्रू पूरा का पूरा वेबसाइट एक फॉर्मेट में रहेगा, टेम्पलेट्स आप बना पाओगे वेबसाइट का। तो ये सारी चीजें जो है, ये किसका पार्ट हुआ, ये वेब का पार्ट हुआ। और वेबसाइट में इमेजेस और ग्राफिक्स पे भी काम करना होता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए फोटोशॉप है, PS फोटोशॉप।
तो ये सारा कुछ मिला करके एक वेब का पैकेज तैयार होगा जो कि हमारा कंपोनेंट 3 हुआ, और इसी में साथ में जुड़ जाएगा, अब अगला चीज जो जुड़ेगा यहां वेब के अंतर्गत में वो होगा जावा। जावा में भी जो जावा है वो तो आपको यूनिवर्सिटी कोर्स में पढ़ना है, सारे विश्वविद्यालयों के कोर्स में जावा है, लेकिन जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल जावा, एडवांस जावा, वो नहीं है जिसमें कि आप पढ़ेंगे JSP, आप पढ़ेंगे J2EE, आप पढ़ेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग, आप पढ़ेंगे जावा एप्लेट, जावा सर्वलेट। तो जो एडवांस जावा है उसके जो जो फंक्शंस और फीचर्स हैं, ये इंडस्ट्रियल जावा के जो फीचर्स और फंक्शंस होंगे इसको भी पढ़ना होगा आपको। एडवांस जावा की पढ़ाई, इंडस्ट्रियल जावा की पढ़ाई आपको अब यहां पे पढ़ना होगा। वेब से ही जुड़ा हुआ मसला है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के सिलेबस में पाइथन है, लेकिन हम पाइथन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी पढ़ाते हैं और आर्यभट्ट में भी तो पढ़ाना ही है, लेकिन पाइथन के साथ में जुड़ा हुआ है डेटा साइंसेज। ये ज्यादातर जगहों पे नहीं कराया जा रहा है, डेटा साइंसेज को पढ़ाना भी जरूरी है। और डेटा साइंसेज और पाइथन जब आप पढ़ लेंगे तब अगली चीज जो शुरू होती है वो होगी हमारा जो फोर्थ लेवल होगा, जिसके साथ आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अब आएगा। जो एडवांस रिक्वायरमेंट्स जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है वो कैसे पूरी होगी वो मैं आपको अब दिखाता हूं। जो अब पाइथन और डेटा साइंस से जुड़ा हुआ, जब इससे हम आगे बढ़ेंगे अब आएगा हमारा लेवल 4। लेवल 4 में आएगा डिजिटल, लेवल 4 में आ गया डिजिटल। अभी तक आपने वेब को मास्टर किया, सिस्टम को मास्टर किया, इंग्लिश को मास्टर किया, अब आ गया आपको डिजिटल, इसको भी मास्टर करना होगा। यहां पर जब आपने पाइथन और डेटा साइंस पढ़ा अब आपको यहां पर फायदा हो गया AI and ML। ये क्या है AI ML? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन की इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग यहां पे मशीन खुद ब खुद अपने आप को अपडेट करती जाती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, आपने रजनीकांत की पिक्चर देखी थी रोबोट, तो रोबोट मूवी में जिस तरीके से रोबोट अपने आप को खुद ब खुद अपडेट करता था और खुद ब खुद वो लर्न करता था और उसके अंदर में इंटेलिजेंस था, सोचने की क्षमता थी, तो कंप्यूटर जो कि खुद ब खुद सोचे और खुद ब खुद अपने आप को मशीन लर्निंग के थ्रू अपडेट करे, ये संभव हो रहा है। आपने सुना होगा कि ऐसी गाड़ियां बन रही है जो कि सेल्फ ड्रिवन है, जिसके अंदर में ड्राइवर की जरूरत, ड्राइवरलेस कार, तो वो ड्राइवरलेस कार जो है वो AI टेक्नोलॉजी पे होगी। माइंस के अंदर में जब लेबर जाते हैं उनके जान का खतरा होता है, तो वो खतरे से बचाने के लिए AI काम में आ रहा है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए AI और ML का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके घर के डिवाइसेस को स्मार्ट बनाने के लिए AI ML का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पाइथन और डेटा साइंसेस को पढ़ने के बाद आप डिजिटल भी सीख पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ यहां पर है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, कहीं पर भी आपको BCA के साथ में AI ML की पढ़ाई नहीं मिलेगी, रोबोटिक्स की पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन रोबोटिक्स और AI ML बहुत जरूरी है। यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया वेब वाले में, वो था एंड्रॉइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग। स्टूडेंट्स को एंड्रॉइड ऐप बनाने में मजा भी बहुत आता है और मार्केट में एंड्रॉइड ऐप बनाने वालों की डिमांड भी बहुत है, तो एंड्रॉइड ऐप मेकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये कोर्स बड़ा जरूरी है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो हम वापस से अब आते हैं डिजिटल की तरफ में। डिजिटल में हमने बताया AI और ML और रोबोटिक्स। रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ है IoT। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज इंटरनेट मनुष्यों के लिए है, इंटरनेट हमारे हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे वस्तु और सामान है, जैसे कि आपके घर का एयर कंडीशनर, आपका घड़ी, आपका जूता, आपकी गाड़ी, आपके घर का वॉशिंग मशीन, आपका दरवाजा, घर का मेन डोर, क्या वो भी इंटरनेट यूज कर रहा है? अब जो स्मार्ट होम्स आ रहे हैं, अब जो स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, उन सब में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसे एप्लीकेशन बनाए हैं कि वो अपने मोबाइल से घर की लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, मोबाइल से घर का दरवाजा खोलते हैं, घर का दरवाजा बंद कर सकते हैं, और ये सारा कुछ इसके वीडियोज अवेलेबल है, यूट्यूब पर डाल रखा है हमने। तो वो जो उन्होंने उस बल्ब के अंदर में नेट लगा दिया, अब वो बल्ब अगर अमेरिका भी चला जाएगा तो वो यहीं से बैठे बैठे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ बल्ब को इंटरनेट मिलते रहना चाहिए, दैट्स इट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ आ जाता है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग।
होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लाउड के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं कि बादल में कुछ सेव किया जाएगा, बादल में कुछ डेटा रहेगा। यहां क्लाउड का मतलब जो आसमान में बादल है उससे नहीं है, बल्कि एक डेटा का ऐसा बड़ा रिसोर्स सेंटर जिसको कि सब नेटवर्क के साथ सिस्टम जुड़े रहेंगे। और आज आप जो मोबाइल में अपनी तस्वीरें खींचते हैं, मोबाइल में अपने वीडियोस बनाते हैं, वो सब कुछ आपके मोबाइल में सेव होता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके सिस्टम पे आप काम नहीं करोगे, कंप्यूटर पे काम नहीं करोगे, अपने मोबाइल पे काम नहीं करोगे, बल्कि आप क्लाउड पे काम करोगे। और वो क्लाउड पे जो सारा कुछ होगा उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और हर कंपनी जो है अब वो सॉफ्टवेयर जो है, आपने अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आने वाले दिनों में आपको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्लाउड से एप्लीकेशन यूज करोगे और उसको आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग में जो चीज हम कोर्स करा रहे हैं वो है AWS, AWS अमेजन वेब सर्वर। ये आपने अमेजन का नाम सुना, अमेजन को आप एक मार्केट प्लेस के रूप में जानते हैं जहां पर आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन अमेजन कंपनी का जो 80% रेवेन्यू है, जो बिजनेस है, वो उसको आ रहा है वेब सर्विसेज से, AWS से आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आ रहा है। और मार्केट में AWS सर्टिफाइड इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। ये बहुत महंगा कोर्स है, लेकिन हम अपने BCA के स्टूडेंट्स को करा रहे हैं। हाँ, सर्टिफिकेशन हम नहीं करा सकते क्योंकि सर्टिफिकेशन का कॉस्ट डॉलर में होता है, बहुत हाई होता है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन का कॉस्ट भी डॉलर में होता है, सिस्को का सर्टिफिकेशन में डॉलर में होता है। तो सर्टिफिकेशन हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करा देते हैं ताकि बच्चों को उसका नॉलेज पूरा हो और हम अपना सर्टिफिकेट दे पाते हैं क्योंकि हमने उसको उस कोर्स को पढ़ाया है। हाँ, कई बार हम लोग IIT NIT इनके संग मिलकर कोर्सेज चला रहे हैं, वहां पर IIT का सर्टिफिकेशन मिल पा रहा है। जैसे अभी तुरंत अभी इसी मंथ मई महीने में AWS का कोर्स जो है वो कराया गया हमारे यहाँ NIT के संग और IIT के संग मिल करके, तो उसमें बच्चों को NIT IIT का कंबाइन सर्टिफिकेट मिल रहा है, अमेजन वेब सर्वर का कोर्स। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स हुआ। यहीं पर आपको अब और जो जुड़ा हुआ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, वो है बिग डेटा। बिग डेटा, आज हर सेकेंड 6 करोड़ से ऊपर सर्च किए जा रहे हैं गूगल के ऊपर में। और आप देखते हैं जितनी बार जब जब आप कुछ सर्च करते हो, गूगल उस डेटा को रिकॉर्ड रखता है, सेव रखता है, आपने जो सर्च किया वैसा ही एड आपको दिखाया जाता है। तो ये इतना क्वांटम ऑफ डेटा तैयार हो जा रहा है, हर सेकेंड में करोड़ों के लोगों का डेटा जो है वो तैयार हो जा रहा है। और वो कब कहां क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को लेकर कहां जा रहे हैं, किस दुकान पर रुक रहे हैं, आप किसी कंप्यूटर शॉप पर रुके, किसी जूते की दुकान पर रुके, आप किसी ट्रैवल एजेंट के यहां गए, वो सारा डेटा जो आपका मोबाइल है वो गूगल को भेजता है और गूगल उसी हिसाब से एडवर्टाइजर से डेटा शेयर करता है और एडवर्टाइजर आपको ऐड दिखाते हैं, आप जिस ऐड को क्लिक करते हैं वो डेटा सेव होता है। तो बहुत बड़े क्वांटम में डेटा तैयार हो रहा है और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए और इस डेटा को मैनेज करने के लिए बिग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। इसी में एक एप्लीकेशन है हडूप, इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये कोर्स, ये सब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं और वो कोर्सेज बता रहा हूं जो कहीं नहीं कराए जाते हैं, लेकिन ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी क्षमता, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है वो है ब्लॉकचेन। आप में से कई लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा, अगर ब्लॉकचेन नहीं सुना है तो आपने क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं सुना है तो आपने बिटकॉइन सुना होगा। तो ये सब जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वो डिपेंड करती है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, पूरी दुनिया को बदल रही है। और जैसे कहते ना कि दुनिया बिजली आने के पहले अलग थी और इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, बिजली आने के बाद बदल गई, वैसे ही ब्लॉकचेन आने के बाद अब दुनिया बदल जा रही है। बैंकिंग बदल जाएगा, ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड बदल जाएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म बदल जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो है वो बहुत कुछ बदलने वाला है। इसलिए ब्लॉकचेन का कोर्स और ब्लॉकचेन के संग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, दोनों में काफी कुछ जुड़ा हुआ भी है। ब्लॉकचेन के माध्यम से हम चीजों को, ट्रांजैक्शन को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारा कोर्स हम करवा रहे हैं बच्चों को। और ये जब कोर्स कराया जाता है उसके बाद बच्चों में हिम्मत आती, क्षमता आती है। और एक आखिरी कोर्स जो हम करा रहे हैं वो है एंट्रेंस। ये हो गया हमारा फिफ्थ कॉम्पोनेंट, एंट्रेंस एंड प्रेपरेशन। एंट्रेंस एंड प्रिपरेशन में क्या है,
वहां पर है एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम, एमसीए एंट्रेंस। एमसीए एंट्रेंस जो स्टूडेंट्स को आगे जा करके जेएनयू में पढ़ना है, एनआईटी में पढ़ना है, बीसीए के बाद में उनको किसी बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से एमसीए करना है उनके लिए। और वैसे मैं पक्षधर नहीं हूं, मैं बच्चों को कहता हूं कि बीसीए के बाद आप यहां वहां से एमसीए बिल्कुल ना करो, जब तक टॉप 20 इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन ना हो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एमसीए टॉप 20 में एडमिशन नहीं हो तो आपको जाना है विप्रो में, आप जाइए, बहुत अच्छा करियर है, आप जाइए टीसीएस में। विप्रो के लिए हम आपको डब्ल्यूआईएलपी का एग्जाम का कैसे क्रैक करना पढ़ाएंगे, आपको हम वेज का पढ़ाएंगे, आपको हम विस्टा का पढ़ाएंगे, ये सब विप्रो के फॉर्मेट्स हैं, एग्जाम्स हैं। टीसीएस के लिए आपको हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ाएंगे, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप को कैसे क्वालिफाई करें, हम टीसीएस इग्नाइट पढ़ाएंगे कि टीसीएस इग्नाइट को कैसे क्वालिफाई करें। TCS एक एग्जाम कराती है नेशनल लेवल पर, उस एग्जाम का नाम है NQT, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, हम इसकी तैयारी कराएंगे। Cognizant जो एग्जाम कराता है उसकी तैयारी कराएंगे। जो अलग अलग कंपनियां Infosys जो BCA के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम लेती है, हम उसकी तैयारी कराएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एंड जॉब प्रिपरेशन, जॉब प्रिपरेशन यानी कि बीसीए के बाद जॉब कैसे मिल जाए। मैं बड़ा साफ कहता हूं कि अगर आपको बीसीए के बाद जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बीसीए की डिग्री चाहिए, तो सिमेज में आने की जरूरत ही नहीं है। सिमेज में सिर्फ वही आए जिनको बीसीए के बाद जॉब भी चाहिए। तो ये विप्रो का WILP, वेज, विस्टा, TCS का NQT, नेक्स्ट स्टेप, इग्नाइट, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आपको करियर बनेगा। तो ये हमारा पांचवा कंपोनेंट हुआ। इसके अलावा गोलैंग, गूगल लैंग्वेज, इसके अलावा बहुत सारे और एप्लीकेशंस कराए जाएंगे जो कि छोटे छोटे हैं लेकिन उनका बहुत महत्व है। एडवांस एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कि बहुत करियर में फायदा आता है और बहुत जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर लोगों को एडवांस एक्सेल नहीं आता है, कैसे एक्सेल के अंदर में डेटा को काम करना है, इसका कोर्स। अब आप समझिए, जो मैंने अब तक बातें बताई, आपने अब तक सुना, क्या कहीं पर भी आपको ये सारे कोर्स बीसीए के साथ में कराए जा रहे हैं, क्या ये सारा एड ऑन आपको कहीं पर अवेलेबल है, इसके माध्यम से क्या अगर ये सारा कुछ कोई छात्र पढ़ता है, क्या उसको जॉब की कभी कोई दिक्कत होगी, क्या उसको कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का सपना अगर है तो वो पूरा नहीं होगा। आज इंफोमेटिका डेटा वेयर हाउसिंग का कोर्स हमने स्टूडेंट को करवाया, और जब वो विप्रो में गए तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो बहुत रेयर है कि कोई स्टूडेंट को इंफोमेटिका आता हो। किसी बीटेक वाले स्टूडेंट को भी ये सारा प्रिपरेशन हडूप का, बिग डेटा का, ब्लॉकचेन का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, AWS का, रोबोटिक्स का, IoT का, AI ML का, ये बीटेक वाले स्टूडेंट्स को भी ये सब चीजें नहीं आ रही, उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम अगर स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें दे रहे हैं तो इसका एडवांटेज, और इसके साथ में एक और चीज जो कि बहुत बच्चों को फायदा कर रही है, मैं उसको कंपोनेंट 6 कहूंगा, वो है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे के कोर्सेज, जो कि 18 कोर्स कराए जाएंगे IIT बॉम्बे के। अब ये कोर्सेज जो है वो एंड्रॉइड ऐप मेकिंग में है, इनमें सब में एग्जामिनेशन भी होगा और IIT बॉम्बे का सर्टिफिकेट मिलेगा। 18 कोर्स IIT बॉम्बे के, उसके अलावा कोर्स होंगे NPTEL के, ये IIT मद्रास के द्वारा कोऑर्डिनेटेड है, और इसमें इंडिया के कई सारे IITs, NITs के कोर्सेज चलते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में, एजेक्स पर, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर आपको कोर्सेज यहां पर मिलेंगे, जो कि सिमेज में हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, डेटा साइंसेज में, और इस अलग अलग आपको इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चे को 18 कोर्स तो सिर्फ IIT बॉम्बे के करने होते हैं। तो जो स्टूडेंट इतनी सारी पढ़ाई करने को तैयार हो, जो मैं कहते हैं ना वो कबीर दास का दोहा है, जो घर बारे आप ना वो आए हमारे साथ, जो अपना आप को समर्पित करने को तैयार हो, जो बिल्कुल अपने आप को कुंदन की तरह, वो कहते हैं ना सोना जब तप जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, तो जो बिल्कुल अपने आप को तपाने को तैयार हो, वो सिमेज में आए, और उसको ये सारा कोर्स करने के बाद वही करियर मिलेगा जो हमारे यहाँ के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए, जितने सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, आज विप्रो में हमारे 1200 बच्चे हैं, TCS में हमारे आज लगभग 900 से ऊपर छात्र हैं, इन्फोसिस में 70-80 स्टूडेंट हमारे कैंपस से गए हैं, उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो जॉब स्विच करके वहाँ पे गए, HCL टेक्नोलॉजीज में, टेक महिंद्रा में, कॉग्निजेंट में, कैप जेमनी में, एसेंचर में, IBM में, अमेजन में, लंबी लिस्ट है, फेसबुक पे आपको बच्चों की प्रोफाइल मिल सकती है जो सिमेज के छात्र जो हैं
जो सिमेज में पढ़े हैं उनके स्टडी एक्ट में आप देखिएगा सिमेज दिखाई पड़ेगा, वर्किंग एक्ट में आपको अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, अलग अलग कंपनियों का आपको डिटेल मिलेगा अलग अलग छात्रों में। तो ये जो सफलता मिली है बच्चों को ये बीसीए के बाद भी मिल सकती है, बशर्ते कि इस तरीके की पढ़ाई हो। और कहाँ इस तरीके की पढ़ाई हो रही है, कौन सा संस्थान, कौन सा कॉलेज है जो कि स्कूल की तरह 8 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करा रहा हो, पर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा छात्र दिखा दो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और जॉब नहीं हो। आपके आसपास क्या कोई ऐसा है जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही है? ऐसा नहीं आप दिखा पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी ताकत है जिसके बल पर आप हमेशा रोजगार पाने में सक्षम होंगे, जॉब पाने में सक्षम होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको सामने ये पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया, आपके सामने मैंने एक बताया कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्रिज प्रोग्राम यानी कि शुरुआत में शार्पन करना अपने आप को, वो ज़रूरी है। उसके बाद सिस्टम के प्रोग्राम, नेटवर्क के प्रोग्राम, उसके बाद वेब के प्रोग्राम, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, वेबसाइट के कोर्सेज, एप्लीकेशन के कोर्सेज, उसके बाद मैंने बताया डिजिटल के प्रोग्राम्स यानी कि AI, ML, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो डिजिटल के प्रोग्राम्स हैं वो, और उसके साथ में प्रिपरेशन के प्रोग्राम्स, उसके साथ में सर्टिफिकेशन, IIT के सर्टिफिकेशन, NPTEL के सर्टिफिकेशन, IEDX के सर्टिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं इनकी वैल्यू होती है, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं, इनकी वैल्यू होती है। और अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल BCA से कई कई गुना एडवांस हो गए और आपका करियर जो है वो चार चांद लगाने से, उसमें चार चांद लगने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, और जब एक बार उतर आओगे तो मजा आएगा। जब एक बार इस, मतलब कहते हैं ना, नाव आपकी निकल पड़ी तो फिर पतवार खेते जाओ मजा आते जाएगा, लेकिन जो किनारे पे रह जाएंगे वो किनारे पे ही रह जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि एक मजा जो है वो किनारे पे बैठने में नहीं है, मजा जो है वो नाव पे उतरने में है और धारा का जो प्रवाह है उसका आनंद उठाने में है। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको एक साधारण BCA करना है तो 49,500 सीटें हैं, और अगर आपको असाधारण रूप से तैयारी करनी है, असाधारण तैयारी करनी है, तब वो 500 सीटें ही हैं, क्योंकि 50,000 में से मात्र 500 बच्चे ही सफल होते हैं, और वो 500 बच्चे अपने 3 साल की पूरी मेहनत, 3 साल की पूरी फीस से कई गुना अधिक पा जाते हैं 1 साल की अपनी सफलता में, पहले साल की सफलता में। इसलिए अगर आपको लगता, और पूरे जीवन फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो उनके लिए आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो बहुत खुल जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो सुखी खुश हो रहे हैं, वो अपने घर पर नई एक छत के ऊपर में दूसरी छत बना रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो गृह प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ फ्लाइट से आते जाते हैं, पापा मम्मी को वो घूमने भेज रहे हैं, ट्रैवल प्लान खरीद रहे हैं। तो अगर आपके ऐसे कुछ सपने हैं, और देखिए दो ही चीज़ होना है, या तो आप असाधारण तरीके से काम करके, मेहनत करके, सफल होकर के अपने नाम रोशन करोगे, अपना और अपने परिवार का, और नहीं तो आपको आपके घर में खाने के संग ताना मिलेगा। आप खाना के संग ताना लेना चाहते हो, या आप अपना और परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा। और कई बार बच्चे पूछते कि सर शॉर्टकट, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़े, स्मार्ट वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि कोई हार्ड वर्क नहीं, कोई स्मार्ट वर्क नहीं, सीधा सीधा जो है, जो आपको काम करना है उसमें मन लगा के करो, अगर आप इंटरेस्ट लेकर काम करो तो वो सारा कुछ जो है वो इजी वर्क है, वो सारा कुछ इजी वर्क है। लेकिन कब? जब आपका मन लग रहा है, जब आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है, 5 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजा नहीं आ रहा है, आधे घंटे में नींद आ जाएगी। तो आज मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको इसमें एक पूरी की पूरी रूपरेखा देने की प्रयास किया कि आप कहीं से भी BCA का प्रोग्राम करो, मैंने आज जो आपको टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स बताए हैं इनका आप ख्याल रखो, इनको अगर आप कवर करते हो तो फिर आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हो, और किसी भी BTech या MTech की तुलना में आप कहीं पर भी कम नहीं रहोगे, कम नहीं आके जाओगे, और आपको अच्छी से अच्छी कंपनियों में अच्छे से अच्छे पोजिशन के लिए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप में से जो भी छात्र इस तरह का कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, इस तरह की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है, इस तरीके से वो अपनी इंग्लिश और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं,
उनका सिमेज संस्थान में स्वागत होगा। आप सिमेज में आए, सिमेज आज बिहार में बीसीए कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, बीएससी आईटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा, सबसे सफल संस्थान है। सबसे अधिक संख्या में आज हमारे 4,500 से अधिक छात्र जो हैं वो आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो आपका स्वागत होगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से यदि आप सफल होते हैं तो आपका एडमिशन होगा। तो आपको नंबर्स हमारे मिल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन नंबर्स पे आप संपर्क करें और आप हमारे जो करियर एडवाइजर्स हैं उनसे बात करें। 800 रुपीज़ कॉस्ट है सिमेज के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म का। और अभी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गरीब से गरीब छात्र जो है वह भी ये पूरी पढ़ाई कर सकता है, ये पूरा कोर्स बीसीए और बीसीए के साथ के सारे एड ऑन कोर्सेज जो गरीब से गरीब छात्र है वो भी कर सकता है।